नेशनल हेल्थ मिशन NHM ने लुवाजिमुंबई स्वच्छता ही सेवा ते एक पेर मा के नाम तांग बतांगो या फौना हरे बांदा संचाखा अगरतला पैलेस कंपाउंड नि मिशन डायरेक्टर नि हाबानगो लाइथांगनाय 14 सेप्टेम्बर निसिमी बसकांगनि 1 अक्टोबर जरानो अ स्वच्छता ही सेवा कैंपिंग लुवाजि जाकमानि आ तांग बतांग रक्षावन ककतिसाल बहायनो साफ सुथरा खलाइमं बुफां बसाकायमं पांदा लुवाजि जाखा अ सालनि पांदानि बिसिंतै बुफां बसाकाय जाखातै साफ सुथरा खलाइ जाखा पैलेस कंपनी मिशन डायरेक्टर नि हाबानक नि फाता रगो तै कचिं काहाम तंगनानि बागैनो कक बहायन कचारखा साफ सुथरा खलाइनायर आरो मानजाखा हेल्थ सेक्रेटरी किरण गीते मिशन डायरेक्टर सुमित्रा चौधरी नखवी कबनि नांनाय सगनाय आदं र আপনারা সকলে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য সকলে এই সকালবেলায় উপস্থিত হয়েছে আপনারা জানেন যে এই বছর এই স্বচ্ছতা মিশনের এই দিবস পালনে 10 বছর তো গত 14 সেপ্টেম্বর থেকে এই বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতার গুরুত্ব এবং স্বচ্ছতাকে একটা অভ্যাস হিসেবে মানুষকে তৈরি করার জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করব তো আজকে আমাদের এই NHM অফিস প্রাঙ্গণ দিয়ে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে NHM এর যে ইউনিটগুলি আছে সেখানে সমস্ত এরকম কর্মসূচি পালন করার জন্য আমরা একটা মেসেজ ছড়িয়ে দেব এই বছরে আমাদের যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে স্বচ্ছতা কি ভাগিদারি শ্রমদানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির মানে মানুষের মধ্যে তার ভেতর থেকে যেন এই স্বচ্ছতার গুরুত্ব এবং তার অভ্যাস গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যে যা যা করার সেই অনুষ্ঠানগুলি সেই কাজগুলি আমরা করব তার পাশাপাশি আমাদের সমাজে যারা সাফাই মিত্র তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তাদের মধ্যে হাইজিন সেন্স তৈরি করার জন্য যে কর্মসূচি করা সেই কর্মসূচিগুলি আমরা হাতে নেব এবং সেগুলি পালন করব তার পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা আরেকটা কাজ করব আপনারা সবাই জানেন যে সুস্থ সমাজ তৈরি করতে গেলে প্রথম দরকার একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা সেই সুস্থ পরিবেশের লক্ষ্যে এক পের মা কে নাম যে কর্মসূচি তার মাধ্যমে আমরা বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটাও আজকে এখানে অনুষ্ঠিত করব এবং সেটার একটা বড় দিক হচ্ছে যে যে গাছের স্পিসিসগুলি প্রজাতিগুলি আমরা সিলেক্ট করেছি সেই সবগুলি ইন্ডিজেনাস মানে আমাদের লোকাল যে গাছগুলি হারিয়ে যাচ্ছে সেই গাছগুলি রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটা আমরা আজকে শুরু করছি মুঝে লাগতা হয় কি বহুত হি ফিতলা प्रशंसनीय कार्यक्रम हमारे NHM के ऑफिसर्स और सभी स्टाफ इन्होंने शुरू किया है आप जानते हैं कि स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 15 दिन का हर साल होता है और इस साल जो थीम दी है वो है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता मतलब हमारे स्वभाव में ही स्वच्छता का एक गुण तैयार हो और हमारे दैनंदिन रूटीन कार्यक्रम में ही स्वच्छता दिखे और इस स्वच्छता का संस्कार भी हम आने वाले पीढ़ियों में हम लोग करें और वॉलंटरी एफर्ट्स और कलेक्टिव एक्शन इसमें बहुत जरूरी है जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे स्वच्छता करेंगे श्रमदान करेंगे दूसरा मैसेज जो इस साल दिया गया प्रधानमंत्री महोदय ने कि स्वच्छता की भागीदारी ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है सिर्फ म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है बल्कि इसमें सभी हमारे नागरिक हमारे समाज के अन्य अन्य संस्थाएं जो है वो भी इसमें भाग लें और जो हमारे सफाई मित्र है उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ गाइडलाइन इस साल दी गई है तो आप जानते हैं कि NHM जो पहले NRHM करके 2005 से शुरू हुआ करीब पिछले 18-19 साल से ये संस्था कार्यरत है और हमारे हेल्थ
डिपार्टमेंट में बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन ये सभी अस्पतालों को हेल्थ सर्विस के लिए सपोर्ट करना, उनको जो टेक्निकल नॉलेज है वो देना, उनके लिए अन्य इम्यूनाइजेशन है, मदर एंड चाइल्ड केयर हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो, मलेरिया हो, कोई भी जो हेल्थ का प्रोग्राम है उसका रूपायन करना, उनको फंडिंग करना, और जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तक एनएचएम में अभी जुड़ गए हैं, तो अब एनएचएम जो पहले राज्य और जिला स्तर पे काम करता था, अब एनएचएम का जो हेल्थ ऑफिसर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये गांव-गांव तक काम कर रहा है। तो एक संस्था मतलब पिछले 20 सालों में जो कि हमारे राज्य का एक हेल्थ सेक्टर में एक स्ट्रांग फाउंडेशन ले किया है, और एक प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा करने की जिम्मेदारी एनएचएम के पास है। तो स्वास्थ्य अच्छा करने की जो जिम्मेदारी है वो तो स्वच्छता से शुरू होती है, जब तक स्वच्छता नहीं है तब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। और यही थीम लेके जो एनएचएम ने सिर्फ अगरतला में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ एनएचएम के हमारे ऑफिशियल्स काम करते हैं, ये सभी हमारे कार्यालयों में ये उद्योग शुरू किया है, मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ।